Hello guys, my name is Salman Khan and I'm from Rajasthan and you are watching my our YouTube channel Technical Tadka. So दोस्तों मतलब सुनने में आ रहा है काफ़ी चर्चा भी हो रही है इसके बारे में Truecaller के बारे में कि Truecaller है वो हमारा डेटा वगैरह चोरी कर रहा है हम आगे कहीं पे शेयर कर रहा है सब ये न्यूज़ कंफर्म तो नहीं है बट मतलब क्या पता चोरी कर भी रहा हो या भविष्य में भी कर दे फ्यूचर में कभी कहीं ना कहीं चोरी कर दे सो गाइस इससे पहले ये चोरी करे हमें समझना चाहिए गाइस इसका मतलब सॉल्यूशन कर लेना चाहिए पहले से क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कोरोना आया तो अगर इससे पहले ही हम सतर्क हो जाते इससे पहले लॉकडाउन लग जाता और फिर अगर जैसे कि मतलब पूरा सील हो जाता बॉर्डर वगैरह फिर उसके बाद मतलब लॉकडाउन खुल जाता तो इसके बाद कोरोना नहीं फैलता लेकिन देश पूरा खुला रहता इस तरह गाइस जिस प्रॉब्लम आए प्रॉब्लम से पहले अगर हम सॉल्यूशन ढूंढ ले तो काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी बेहतर है सो गाइस इस वीडियो में आपके लिए बेसिकली मतलब वही सॉल्यूशन लेके आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस वीडियो को बिल्कुल इसके मत करना था कि क्या आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो वरना आपका भी डेटा चोरी हो सकता है गाइस अगला शिकार क्या पता आप भी हो कहीं से शिकार बन भी चुके हैं अब सो गाइस जैसे कि देखिए जैसा कि मैंने बोला एक न्यूज़ कंफर्म नहीं है बट शायद तक हो भी सकता है ठीक है गाइस इसलिए सॉल्यूशन मतलब मैं आपको बता दूंगा अब सबसे पहले बात करते हैं रीज़न क्या है चोरी होने का गाइस चोरी होता कैसे मतलब क्यों होता है सो गाइस मेन रीज़न यही है कि जैसे आप Truecaller को ऐप को इंस्टॉल करते हैं Truecaller के ऐप में ये ऐप है वही चोरी कर रहा है अब मैं आपको मतलब यहीं पर सारी सच्चाई सोपी है मतलब कैसे इसका रीज़न यहीं पर है सो गाइस Truecaller को ऐप इंस्टॉल करते हैं आप अगर आपको पता नहीं होगा आप एक बार क्लियर डाटा करके देखिए उसको तो आप हमसे कई सारी परमिशन मांगेगा जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हमसे कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगता है तो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी हमारे से शेयर हो गए हमारे इसके बाद जैसे कि हमसे मतलब बहुत सारी परमिशन मांगता है लोकेशन वगैरह की या फिर हमसे मतलब जो भी गैलरी की कई सारी परमिशन होती है उसमें हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है कौन कौन सी परमिशन लेकिन जो परमिशन है गाइस ऐसी ऐसी परमिशन है जैसे हमारी मतलब फ़ोन की सारी जो डेटा वगैरह है वो लीक हो रहा है और गाइस अब जैसे कि उसके ऊपर कोई केस वगैरह हो जाएगा तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गाइस वो ये चीज़ बोल सकता है कि मैंने मतलब यूज़र को पहले बोला था कि इसको आप परमिशन को देंगे या फिर नहीं तो ये आपको वो परमिशन देनी पड़ती है वहाँ पर इसलिए गाइस उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर आप केस वगैरह कुछ केस वगैरह होंगे तो इसलिए गाइस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पहले से संभल के रहना चाहिए अब गाइस इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप पूरा वीडियो में साइड में देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ गाइस अब यहाँ से स्किप मत करना अगर आपने कर दिया कोई बात नहीं यहाँ से स्किप मत करना सो गाइस देखिए सबसे पहले मैं आप मोबाइल स्क्रीन पर आ जाते हैं देखिए यहाँ पर सो गाइस आपको क्या करना है अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र यूज़ करना जो आप यूज़ करते हो वो ब्राउज़र को ओपन करना है ओपन करने के बाद सर्च बार है उसमें जाइए वहाँ पे लिखिए Truecaller Truecaller लिख दिया सर्च कीजिए सर्च करने के बाद आपको क्या करना है गाइस जो Truecaller की वेबसाइट है वहाँ पे जाना है Truecaller के ऐप में नहीं जाना है Truecaller की वेबसाइट है वहाँ पे जाना है वहाँ पे अगर आप जो ऐप वाला आइकन है वहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आपको Truecaller की वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ से आप साइनअप कर लीजिए साइनअप जैसे कि आपको कहाँ से करना है कोई कोई लोग बंदे होंगे जो फेसबुक से कर लेंगे ऐसा नहीं करना है गाइस फेसबुक से नहीं करना है आपको आपको क्या करना है या तो कोई न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए या फिर आपके फ़ोन में जो है उसी से मतलब साइनअप कर लीजिए या साइन इन कर लीजिए साइनअप करने के बाद वहाँ से अगर आप जैसे कि कोई भी नंबर वगैरह सर्च करोगे तो वहाँ पर ऐसा मतलब वो हमारी डिटेल वगैरह वो शेयर नहीं होगी और वहाँ से हमसे कोई परमिशन भी नहीं मांगेगा तो वहाँ से शेयर होगी भी नहीं और मतलब ये मतलब गूगल क्रोम में जो हम मतलब परमिशन मांगता है तो गूगल क्रोम वगैरह वो हमारी परमिशन जो हमारी डेटा बेस है वो लीक नहीं करता है सो गाइस अगर आप यहाँ से ऐसे जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से अगर आप कोई भी नंबर सर्च वगैरह करोगे तो आपका कोई भी डेटा चोरी नहीं होगा इस तरह से आप Truecaller भी यूज़ कर लोगे और आपका कोई डेटा भी चोरी नहीं होगा इसका आपको क्या करना है इस पेज को सेव कर लीजिए सेव मतलब इस पेज को क्लोज मत कीजिए जैसे कि आप जो टैब्स होते हैं उनको क्लोज करते हैं इस पेज को सेव कर लीजिए मतलब इसको मतलब क्लोज नहीं करना आपको ठीक है आप कहीं भी जब भी आपको मतलब खोलना पड़े इसको तो आप वहाँ से पेज से खोल सकते हैं तो इस तरह कर सकते हैं गाइस सो आपको मतलब जो मैंने जो डेट जानकारी वगैरह बताई आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताना और इससे गाइज आपकी कुछ हेल्प हो जाए तो आप मुझे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।